32 साल बाद आखिरकार हुआ इंसाफ। सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल पर फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। कोलकाता और बदलापुर में जनता का जो आक्रोश दिख रहा है वो कितना जायज है, ये तो कानून की कसौटी पर परखा जाएगा। लेकिन आखिर ये आक्रोश क्यों है, इसे समझने के लिए अब हम आपको अजमेर की घटना दिखाते हैं। जहां अब जाकर यानी कि 32 साल बाद इंसाफ मिला है। 100 से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में इंसाफ तो मिला, लेकिन इसके लिए 32 साल का इंतजार करना पड़ा। 104 गवाह, 213 दस्तावेज, 32 साल का इंतजार, 11,688 दिनों तक इंसाफ की आस। और अब 2024 को आया 2008 पन्नों का फैसला। 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राजस्थान के अजमेर का सेक्स कांड एक बार फिर लोगों के जहन में आ गया है। वही सेक्स कांड जिसने न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में तहलका मचा दिया था। रेप, गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग के इस कांड में कुछ रईस जादों ने 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स को अपनी हवस का शिकार बनाया। जी हाँ, अजमेर के प्रतिष्ठित कॉलेज में वर्ष 1952 के सेक्स कांड जब भी किसी के जहन में आता है तो रोंगटे खड़े कर देता है। परिवारों की लड़कियां यानी बड़े बड़े अफसरों, नेताओं और व्यापारियों की बेटियां इस सेक्स कांड का शिकार बनी। जब यह कांड उजागर हुआ तो कई दरिंदे बेनकाब। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अलग अलग चार्जशीट पेश की। कुल 18 आरोपी थे। कोर्ट ने अलग अलग समय अलग अलग मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई। वर्ष 2003 में 5 आरोपियों को उम्र कैद हुई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा में बदल दिया। 4 आरोपियों को पूर्व में ही दोष मुक्त करार दिया जा चुका है। आरोपियों ने सुसाइड कर लिया। एक आरोपी अभी तक फरार है और एक आरोपी के खिलाफ केस लंबित। शेष 6 आरोपियों को मंगलवार 20 अगस्त को अजमेर जिला न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। आज आप जानिए 32 साल पुरानी इस डर्टी स्टोरी की पूरी कहानी। अजमेर सेक्स कांड की शुरुआत प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाले एक बिजनेसमैन के बेटे से शुरू हुआ। आरोपियों ने सबसे पहले एक बिजनेसमैन के बेटे के साथ कुरकम किया था और उसकी फोटो खींची। फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। पहले उससे तो पैसे ऐठे गए और फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने का दबाव बनाया गया। दबाव में आकर बिजनेसमैन का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ रेप किया और उसकी भी न्यूड फोटो कैमरे से खींच ली। न्यूड फोटो सर्कुलेट करने की धमकी देकर उसके साथ बार बार रेप किया जाने लगा और उसे अपनी सहेलियों को भी लाने का दबाव बनाया गया। इस तरह से एक के बाद एक लड़कियों को शिकार बनाया गया। सभी की न्यूड फोटो तक ले ली गई। जांच के बाद अजमेर शहर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी के साथ साथ कुछ रईस जादों के नाम सामने आए। केस के मास्टरमाइंड अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती थे। रसूखदारों के नाम सामने आते ही पुलिस मामले को दबाने में लग गई। बात बिगड़ती देख राजस्थान की तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने जांच सीआईडी को दे दी। इस केस में कुल 18 लोगों पर आरोप लगे थे। युवा रिपोर्टर संतोष गुप्ता ने ऐसी खबर लिखी और प्रशासन तक हिलने लगा। इन बेटियों के साथ ये दरिंदों ने ये क्या कर दिया, हर किसी का खून खोल रहा था। खबर में गिरोह के लोग धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक सभी तरह से प्रभावशाली बताए गए। इधर समाज कंटक अपने कुरकर्मों के साक्ष्य मिटाने में लग गए, वहीं ओहदेदार आरोपियों को बचाने में लग गए। कॉलेज की करीब 100 से ज्यादा लड़कियों को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। उन दिनों कैमरों से ली गई फोटो का प्रिंट निकालने के लिए फोटो कलर लैब जाना पड़ता। फोटो कलर लैब के जरिए लड़कियों की नग्न फोटो को प्रिंट कुछ लोगों में बांटे गए। बाद में इस कांड का खुलासा हुआ। शर्म और बदनामी के चलते 6 लड़कियों ने
सुसाइड कर लिया। कुछ लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्हीं की हिम्मत का नतीजा यह रहा कि दरिंदों को उनके कर्मों की सजा मिली। बता दें कि ये कहानी करीब 32 साल पुराने मामले की। अब आप सोचिए कि ये 32 साल पुराना मामला और फैसला 20 अगस्त को 2024। ये है हमारा देश, ये है हमारा भारत, जहां इंसाफ की एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जिस पर मंगलवार को कोर्ट का फैसला आया। इस मामले के बाद कुछ लड़कियों ने तो आत्महत्या भी कर ली। देखा जाए तो जिस तरह से मुंबई और अभी जो देखा जाए बदलापुर में जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, ये इंसाफ की ही लड़ाई है। लेकिन 32 साल पुराना मामला जब आज आंखों के सामने आया तो एक बार फिर से सभी के रोंगटे खड़े हैं कि 32 साल तक का इंतजार करना पड़ा हमें इंसाफ पाने के। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।